एम्बुलेंस में बैठने से पहले ये पुलिस वाला बोल रहा है, घबराना मत, जल्द आता हूँ। ऐसा इस पुलिस वाले ने क्यों बोला, इस मामले में हम आपको पूरी बात बताएंगे। दरअसल मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जो काफी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाला है। मुंबई का एक पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इलाज के लिए जाने से पहले पुलिसकर्मी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो ने सभी को भावुक कर दिया। ट्विटर पर लोग पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुंबई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, हमारा 29 वर्षीय फ्रंट लाइन वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, देखिए हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले को एम्बुलेंस के अंदर घुसते हुए दिखाया गया है, लेकिन उससे पहले वो पास खड़े अन्य लोगों से कुछ कहता है। स्क्रीन पर एक कैप्शन से पता चलता है कि वो बोल रहा है, मेरे दोस्त चिंता मत करो, मैं जल्द ही ड्यूटी पर वापस आऊंगा। ट्विटर पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो के अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, साथ ही 19,000 से ज्यादा लाइक्स और 3,000 से ज्यादा रीट्वीट्स भी हो चुके हैं। इसी सूत्र में मुंबई पुलिस ने प्रसिद्ध मराठी कवि वसंत बापट की लिखी एक कविता से कुछ पंक्तियां भी साझा की है। कई लोगों ने पुलिसकर्मी को गुड लक कहा तो कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों की सच्चे सुपर हीरो के रूप में प्रशंसा की। कुछ ने ये भी लिखा कि क्लिप ने उन्हें भावुक कर दिया। और वाकई 15 सेकंड के इस वीडियो ने सभी को भावुक कर दिया, क्योंकि जिस तरह से पुलिस वाले फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ भी है। और जब इस लड़ाई को लड़ने वाला खुद ही कोरोना संक्रमित हो जाए और उस स्थिति में उस इंसान का ये कहना कि घबराना मत, मैं जल्दी आऊंगा, सच में काफी हिम्मत वाला है ये पुलिस वाला। इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।